तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और बहुत ऊंचाई तक पहुँचते रहेंगे। अगर नहीं भी पहुँच रहे बहुत जल्द पहुँचोगे। खुद पे मेहनत कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए। मैं आपका सिनेमा बॉय प्रेजेंटिंग माय चैनल टीयू। चलो ना फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं वो सुपरहिट मूवी जिसकी वजह से मुझे लगता है साउथ इंडियन इंडस्ट्री का एक बुदना एक ग्लो ही नहीं, मुझे लगता है वो सिनेमा जो आज तक लोग मजाक उड़ाते थे आज ओवरऑल पूरी इंडिया में रिप्रेजेंट हो गया। इंडिया ही नहीं, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट हो चुका है। उसका नाम है KGF, वो रॉकी भाई जिसने अपने बुदना मूवी की वजह से आज सबके बुदना पूरी साउथ इंडस्ट्री का नाम मुझे लगता है अप कर दिया है। तो आज हम उनके एक मूवी का सीन है वो रिव्यू करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुझे बहुत चीज़ें सीखने मिले। मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने मूवी देख लिया होगा, फिर भी मैं मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है अभी भी बहुत लोग हैं जिसने नहीं देखा है। और जो लोग नहीं देखे भाई जाओ मूवी देखो, क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारे मूवी देखने से ही ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मिलेगा हमें, और जितना ज़्यादा फीडबैक हमें मिलेगा उतना ज़्यादा हम कुछ नई क्रिएटिव चीज़ें डाल सकते। अगर आपका फीडबैक नहीं आएगा, अगर आपका सपोर्ट नहीं आएगा तो हम किस तरह वीडियो बनाएंगे। तो बस मैं यही चाहता हूँ और बस इस तरह मैं बस अपनी वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मज़ा आए। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ शुरुआत में कि म्यूज़िक वीडियो बदला आएगा, लेकिन उसके साथ ऐसी फिल्म्स की रिगार्डिंग भी टिप्स ट्रिक्स हर चीज़ें आएंगी। तो बने रहिए, बहुत चीज़ें सीखने मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई और बहनों, चलो चलो चलो। चलो माय भाई और मेरी बहनों, शुरू करते हैं विनर बकचोदी के। 3, 2, 1। एक मैं छोटा सा पार्ट लिया हूँ KGF का, एक छोटा सा पार्ट लिया हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं और भी इस तरह और भी मूवीज़ का पार्ट लेके आऊँगा जो मुझे लगता है बहुत क्रेजी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको ओपनली कहना चाहता हूँ ये चीज़ कि मैं इंटरनेशनल चीज़ें नहीं घुसूँगा। मतलब जो इंटरनेशनली चीज़ें, मतलब जो मूवीज़ हो उनके बारे में रिव्यू नहीं दूँगा। इस वजह से नहीं दूँगा कि मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा किस वजह से नहीं दूंगा, लेकिन अभी आपको मैं कहना चाहता हूँ डायरेक्टली मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा कुछ ओपिनियन है और मेरा कुछ वजह है जिस वजह से मैं वो चीज़ों को नहीं डालना चाहता। तो मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अब हम मिलकर वीडियो का एंजॉय करते। ये भी क्लोजअप शॉट लिया गया। और कोई भी मूवी में बनते टाइम मैं आपको सबको ही कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक स्टोरी बनने से नहीं होता है, स्टोरी के अंदर भी बहुत चीज़ें होती है। स्क्रीन प्ले होता है, कैमरा एंगल्स, कैमरा मूवमेंट्स, लाइट्स, बहुत कॉस्ट्यूम्स, ये जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग किया है, मेकअप डिज़ाइन किया है, ये जो हेयर स्टाइल डिज़ाइन किया है संजय दत्त का, ये हर चीज़ मैटर करता है। तो प्लीज़ आप एक चीज़ मत सोचना कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एंगल्स और मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो बाकी की चीज़ें मैटर नहीं करता है, बाकी की चीज़ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि एक फिल्म मेकिंग एक बड़ा प्रोसेस है जो छोटे छोटे करके हम मतलब डिपार्टमेंट में बांटा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ का बेस तो समझ आ गया होगा। कॉस्ट्यूम देखो, कॉस्ट्यूम देखो, उसका हेयर मतलब वो हेयर स्टाइल देखो, मेकअप देखो, ओवरऑल सब चीज़ें मैटर करती है। और ये जो एंगल में शॉट लिया गया है इसको क्लोजअप शॉट बोलते हैं, ये अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट, इसको मास्टर शॉट भी बोलते हैं, जहाँ पे हम लोकेशन को दिखाते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है। वाह,
ये ट्रंकिंग मूवमेंट है, एक मूवमेंट भी होता है कैमरा। अगर मैं सोचो कैमरा एंगल है क्लोजअप शॉट, वाइड एंगल शॉट, अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट, लेकिन अगर उसमें मैं एक मूवमेंट नहीं डालूंगा ना, तब तक उसमें मज़ा नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं संजय दत्त को अगर सीधे रखता हूँ कि ये वाइड एंगल शॉट है, इसको मैं रखता हूँ वाइड एंगल में, ठीक है, तो फिर वो एक जगह पर कैमरा है बार बार, बस उसका बस एंगल चेंज हो रहा, तो मज़ा नहीं आता। लेकिन उस कैमरा के साथ एक मूवमेंट आ जाता है ना, तो उससे हमारे जो वीडियो का जो बोलते ना एक क्वालिटी ही नहीं, मुझे लगता है वो जो वो बंदा फील कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ फील कर रहा हूँ, अगर मुझे उसको विजुअली बताना है, तो ये कैमरा एंगल के साथ कैमरा मूवमेंट का भी बहुत मैटर करता है। और ना कि कैमरा मूवमेंट, और भी बहुत चीज़ें होती है, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए कैमरा एंगल्स अगर कोई भी आप यूज़ कर रहे तो उसके साथ कैमरा मूवमेंट्स का भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रॉकी बाइक के एंट्री, क्लोजअप शॉट, सब क्लोजअप शॉट लिया जा भी। आपको पता है कोई भी मूवी बेस्ट कभी बनता है जब उसमें ना एक बैकग्राउंड ऐसा म्यूजिक होता है जो ऑडियंस को पहले ही मिल जाता है, और उनको लगता है कि भाई ये सिर्फ वो म्यूजिक के लिए भी, ऐसे भी बहुत ऑडियंस है सिर्फ वो म्यूजिक सुनने के लिए भी थिएटर जाते हैं। मैं सच बोलना चाहता हूँ, ऐसे बहुत फैंस है। तो ये जो KGF में जो भी गाना यूज किया गया ना, सबके सब एक से बढ़कर एक बेस्ट क्वालिटी गाना है, मुझे जहां तक मुझे लगा। मुझे नहीं पता आपका ओपिनियन कैसा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है एक से बढ़कर एक। और ये गाना भी देखो, वो मजा आएगा, ऐसा फील नहीं होगा कि भाई क्या है। देखो ये पुश अप, ये फिर आ गया, एक अलग अलग मूवमेंट्स है, ट्रंकिंग मूवमेंट उसको बोलते हैं, क्लोजअप शॉट, मतलब इनको क्लोज रखा गया है लेकिन वाइड एंगल लेंस यूज किया गया, ट्रंकिंग मूवमेंट, मास्टर शॉट। हाँ, आपको पता है ये मूवी में एक चीज क्या है, और रॉकी भाई को रॉकी किस तरह मतलब बनाया गया है, उसकी रिचनेस को पहले जब आप पार्ट वन देखिएगा ना, आपको लगेगा हाँ रॉकी एक जगह से निकला हुआ है अभी कुछ मिशन में, लेकिन जब रॉकी टू देखिएगा ना, और जब उनका कॉस्ट्यूम देखिएगा ना रॉकी भाई का, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि रॉकी कौन है, रॉकी कहाँ पहुँच गया है। और ये मूवी में एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो है रॉकी का एटीट्यूड, वो एटीट्यूड जो उसको पता है कि उसको क्या पाना है, क्या चीज़ करना है, और वो चीज़ को मिशन को अचीव कर कर ही इस दुनिया से लौटता है। तो प्राउड ऑफ यू मैन, ओके। वो मूवी मुझे लगता है ये मूवी सबको देखना चाहिए जो उतना क्रेजीनेस, उतना पागलपन रखता है, एटीट्यूड रखता है अपने सपने की रिगार्डिंग, जो लोग सपने को पाना चाहते, कोई भी डेडिकेशन, कोई भी डिसिप्लिन मुझे लगता है मैटर करता है, कोई मोटिवेशन नहीं आता। तो ये वो चीज़, ये मूवी को देखिए, बहुत चीज़ मज़ा आएगा आपको। रॉकी दुबई गया था 2 बजे से। दूसरी वजह क्या है? वो बहुत पैसे लेकर गया था ना। बट वॉजंट दैट एन एडवांस फॉर द गोल्ड? क्लोज अप शॉट है सर। खलील वाज सेंडिंग? नो। देन व्हाट वाज इट फॉर? उसका एटीट्यूड देखो ना, यश का शक्ल देखो, आपको दिखा दो, ये देखो फेस देखो, एटीट्यूड में खड़ा हो, वो सबके सब उसके सामने खड़े, मर सकता है लेकिन उसका एटीट्यूड, मतलब इतने प्यारे तरह से इसको डिजाइन किया गया, मतलब मेरी मूवी के डायरेक्टर ने, बिग सैल्यूट यार भाई। ये जैसी सीन आया था ना भाई, मैं तो बहुत पागल हो, क्रेजी हो, पूरी बता ना जो भी लोग, मुझे लगता है थिएटर में तो उन लोग भी बहुत ज़्यादा क्रेज हो गए रहेंगे ये देख के, शॉट गन है टाप टूक एकदम भाई, मशीन गन जैसे AK-47 मिसाइल भी, मास्टर शॉट, अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट। और से देखकर आप एक चीज़ नोटिस करना कि एक्टिंग कितना ज़्यादा मैटर करता है, कोई भी मूवी में एक्टिंग अगर सही ना हो ना,
आपका कितना अच्छी भी स्टोरी हो, कितना अच्छा भी उसकी स्क्रीन प्ले हो, कितना अच्छा भी उसका कैमरा मूवमेंट, कैमरा एंगल होने दो, आपका मूवी गान होने वाला है, गान होने वाला है। सबका एक्टिंग देखो, फाड़ हो बेसिक। आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी एंगल्स इसलिए यूज किया जाता है कि आप एक एंगल को देख के आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, बार बार आपको कंटा लाने ना लगे, मतलब बार बार आपको ये नहीं लगे यार क्या है, बोर होने लग रहा। तो इस वजह से अलग अलग एंगल्स यूज किया जाता है कि हमारे जो ऑडियंस की जो उम्मीद है या उनकी जो प्रेजेंस उस जगह पे है वो और बढ़ते रहे, छोड़कर चले ना जाए, इसलिए कैमरा एंगल्स यूज किया जाता है। लग रहा है ना भाई, लेकिन क्या सेट डिजाइन वजह ना भाई, क्या लोकेशन चॉइस किया भाई। और भाई मेरे को एक चीज ना इतना ओवर लगा ना, एक बस एक ही चीज वो है ये कि इतना गोली चलाते लेकिन सजय को एक गोली नहीं लगता भाई, एक गोली नहीं लगता, बस लास्ट में एक दिखाने के लिए गोली लग जाता है लेकिन उसके बिना एक गोली नहीं लगता उनको, एक गोली भी, बाकी सब मर रहे लेकिन यही नहीं मर रहा आदमी। बस अभी एक गोली लगा है, बस क्लोजअप शॉट और ये वाइड एंगल शॉट। सो थैंक यू आप सबको बने रहने के लिए, आपने आपका टाइम निकाल कर आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए। ये मेरा छोटा सा एक बोलना एक प्रोमो था कि मुझे देखना है कि किसी फैन है जो चाहते हैं कि और भी ऐसे वीडियो डालूं, ना किसी म्यूजिक वीडियो, ऐसे ही और भी फिल्म्स की रिगार्डिंग जहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल पाए, मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल पाए, मुझे भी बहुत चीज़ें सीखना है, जो चीज़ें मैं सीखूंगा वो चीज़ें आप तक पहुंच पाएगी और जो चीज़ आप तक पहुंच पाएगी वो चीज़ें ही मुझ पर पहुंच पाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको कुछ ना कुछ चीज़ें तो सीखने मिला ही होगा, अगर सीखने मिला है तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर की। बस ये कहूँगा कि आप सब ख्याल रखिए, मिलता आप सब बहुत जल्द, खुदा हाफिज़।